न्यू ब्लॉग और अभी 11:10 हो रहा है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सर्वमंगला और आज नवरात्रि का सेकंड डे है। तो हमने सोचा चलो कुछ अच्छा काम किया जाए, तो हमने सोचा कि चलो आज ना बनाना दान किया जाए, मतलब जो केला होता है ना कुछ अच्छा काम के लिए केला दान किया जाए। तो केला क्या होता है कि बेसिकली शुगर फ्री होता है, उसको हर कोई खा सकता है एंड सेहत के लिए अच्छा भी होता है। तो हमने सोचा चलो क्यों ना आज केला दान किया जाए। और ये मिस्टर डी सर आया हुआ है और ये हम लोग दान करेंगे केला, ठीक है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, दिल ने तुझको ही पुकारा, तूने हमको है बनाया, तूने हमको है सवारा, चाहा को तो रब का। तो भैया जी आज हमारा शेड्यूल कुछ इस प्रकार का है कि हम सबसे पहले माँ सर्वमंगला के दर्शन करने जाते हैं एंड उसके बाद जाते हैं हम वृद्धाश्रम वृद्धों पे केला बांटने एंड उसके बाद हम जाते हैं मंदिर के बाहर जो जरूरतमंद होते हैं उनको केला दान करने। इधर बोलो कहाँ जा रहे हो? तो वैसे हम लोग वृद्धाश्रम जा रहे हैं और ये है हम लोग का केला जो हम दान करेंगे वृद्धाश्रम में। अच्छा और उसके बाद होती है मंदिर के बारे में कुछ ऐसी कहानियाँ ऐसी बातें जो आपको हो सकता है पता हो भी और ना भी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं क्या बोलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए, माता रानी के दर्शन करो और भैरव बाबा का ना करो तो व्यर्थ होता है एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे गरीबों मतलब वो जो होता है ना मंदिर बाहर उनको थोड़ा वो देके केला दे देंगे एंड उसके बाद हम लोग निकलेंगे क्योंकि 2 बजे हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी, तो 2 बजे तक सब कुछ खत्म करके निकलना है। तो चलते हैं अभी, सामने भैरव बाबा का मंदिर है। तो आप चाहे जमींदार बोलो या रानी राजा बोलो,
जो हमारी माँ सर्वमंगला है ना, वो पहले के रानी राजा या फिर जो बोलते हैं जमींदार बोलते हैं उस लोग, तो उनकी वो कुल देवी हुआ करते थे। पहले यह क्षेत्र में दुर्पा गांव के निकट एक सघन वन या फिर यो उल्लू घना जंगल हुआ करता था। यही एक बैगा द्वारा मान्यता अनुरूप एक पत्थर पर बंधन और घी लगाकर एक समतल जगह पर चबूतरा बनाकर इस जगह की रक्षक देवी के रूप में माँ सर्वमंगला माँ की स्थापना की गई। कोरबा शहर का प्रसिद्ध सर्वमंगला मंदिर हसदेव नदी के तट से लगा हुआ है। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन को आते हैं। मंदिर का निर्माण जमींदार राजेश्वर दयाल के पूर्वजों द्वारा कराया गया था। मंदिर का इतिहास 122 साल पुराना है, जिसकी स्थापना 1898 के आसपास मानी जाती है। तो गाइस बहुत ही मज़ा आ रहा है मंदिर घूमने में। बताया जाता है कि मंदिर परिसर में एक गुफा है जो नदी के नीचे जाता है, दूसरी तरफ निकलता है। नवरात्रि के हजारों की संख्या में ज्योति कलश की स्थापना की जाती है। मंदिर परिसर में त्रिलोकनाथ मंदिर, काली मंदिर, हनुमान मंदिर, शीतला मंदिर, भैरवनाथ मंदिर व अन्य बड़े बड़े मंदिर हैं। पुजारी के अनुसार वट वृक्ष को मनोकामना पूरा करने वाला वृक्ष माना जाता है। कभी इस वृक्ष के नीचे हाथी आराम किया करते थे, वहीं झूले जैसी डालियों पर मोर भी आकर आराम किया करते थे। बच्चे लोग ये झूला कितना पुराना है बताओ तो, कितना साल पुराना है बताओ, पता है तो बैठे हो तो? ये बहुत साल। बहुत साल? सौ साल हो गए होगा। उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा होगा। क्या नाम है आपका? पांडे। तो गाइस हम लोग गुफा जा रहे हैं एंड उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि हम लोग को थोड़ा बैंक वैंक जाना था काम से। तो अभी जा रहे हैं गुफा, आपको रानी का गुफा दिखाते हैं और डिटेल तो मैं बताऊंगा। तो गाइस आई थिंक यहाँ पे थी गुफा, लोग यहाँ दूसरे लोकेशन पर आ चुके हैं एंड यहाँ पानी भरा हुआ। तो गाइस इधर ही है गुफा, झाड़ी वाड़ी में छिपा हुआ है, हम लोग यहाँ उतरने का मन तो कर नहीं रहा देख के। ठीक है, हाँ छोड़ यार देवन, मत उतर गंदा है फालतू, कूद। ठीक है भाई, देखो कैसे कूद रहे, देख के कूदना सीखना ना, देख कर आराम से भाई। देखो कहाँ है गुफा, दिख रहा। चलो ना, चलो आगे चलो। गुफा दिख नहीं रहा है, लेकिन पानी भरने के बाद ना क्या करोगे, दब गए, बालू ज्यादा हो गया इसलिए। लेकिन यही गुफा है, रानी यहीं से आती थी, धनराज कुमार देवी जो दर्शन करती। तो गाइस गुफा तो मिली नहीं, और जहां तक पता है इसी लोकेशन पे गुफा। ठीक है, और अभी हम लोग जाना है बैंक, तो हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, और अगर तुम इस तरह के व्लॉग में इंटरेस्टेड हो तो लेफ्ट वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग आ रहे थे, तो राइट वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो।